एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उस क्यूब को 8 पीसेस में कट किया है, और जो क्यूब स्मॉल फॉर्म हो रहे हैं आपने उसकी साइड फाइंड करनी है। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, नंबर बैठ जाओ अभी, नंबर ऑफ साइड ऑफ क्यूब, हमने क्या लिखा, सबसे पहले साइड कितनी दे रखी है 12, साइड ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज साइड क्यूब दैट इज 12 × 12 × 12, इसको छोड़ दो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। अब आपने ये जो स्मॉल क्यूब आया है, यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया है, इससे स्मॉल क्यूब की साइड फाइंड करनी है। इसकी साइड क्या होती है, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, दैट इज ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो वी हैव गॉट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब एज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्मॉल क्यूब की साइड आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जो दो क्यूब्स बन रहे हैं, दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड क्यूब, इसका क्या होगा, 4π R², इसका क्या होगा, 4π, क्या है, क्यूब है, क्यूब है, 6a², इसको कैपिटल ले लो और इसको 6a² ले लो, ठीक है। जो बड़े वाला क्यूब है उसकी साइड को कैपिटल ले लिया, मतलब ये कैपिटल ए है, और जो स्मॉल आया है इसको हमने स्मॉल ए ले लिया, ठीक है। स्मॉल क्यूब की साइड को स्मॉल ए लिया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ क्या आएगा, 12 × 12, 6 × 6 कटिंग करके 4/1, 4:1। जरा भी आवाज ना आ जाए बीच में किसी की भी, साइड जो गिवन थी। फर्स्ट बेंच पे जाओ, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जिसकी डेप्थ दे रखी है, डेप्थ मीन्स हाइट दी हुई है, वाइड मीन्स ब्रेथ दी हुई है, और इसकी स्पीड दे रखी है फ्लो करने की। जो स्पीड है दैट इज योर लेंथ, दैट इज 2 किलोमीटर पर
आर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आर। किलोमीटर को अगर आप इसको चेंज करते हो, ये 2000 मीटर पर आर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे कि पानी फ्लो कर रहा है तो 1 आर में 2000 इसकी लेंथ बन रही है, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम के साथ दे रखा है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट दे रखी है। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि 1 आर में कितना वाटर फ्लो करता है टेस्टर का, और फिर आपने 1 मिनट फाइंड करना है, ठीक है। आप पहले फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आर इज इक्वल टू एल बी एच। एक्चुअली ये 1 आर में गिवन है ना, तो आप एल बी एच लोगे। स्टॉप राइटिंग साइड बाय साइड, लिसन टू मी फर्स्ट। लेंथ इज 2000, ब्रेथ है 40 और हाइट है 3। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 2440, ठीक है। ये आ गया मीटर क्यूब, मतलब 1 आर मतलब 60 मिनट में इतना पानी फ्लो करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट इज दिस। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट इज, इसको डिवाइड कर दो, फोर थाउजेंड मीटर क्यूब। हाँ जी, गिरेगा नहीं इतना पानी एक टाइम पे 1 मिनट में, वहां पे उस एरिया में उतना पानी होगा। हाँ जी, लीटर में करना है तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये, कितना लीटर बन जाएगा, क्या होती है यूनिट का, लर्न की थी आपने। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, कि वैसे ऐसे ही छोड़ दो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 1। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132। एक सिलेंडर की शेप में वेसल है, इसके बेस की जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मींस 2πr, तो सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 132, एंड सर्कमफ्रेंस वी ऑल नो इज 2πr इज इक्वल टू 132, एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर इट कैन होल्ड, हाउ मेनी लीटर वॉटर इट कैन होल्ड, क्या फाइंड करना है शब्द, बोलो परमीत क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर इट कैन होल्ड। जसप्रीत, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच, एच गिवन है बट आर इज मिसिंग, तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस से पहले आर फाइंड करेंगे, करो फाइंड। सर्कमफ्रेंस इज 132, दैट इज 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। R is equal to 132 into 7 by 2 into 22. R is 21 centimeter. Now find the volume. Volume is pi R square H. Pi is 22 by 7. Radius 21 into 21. And height is 25. Yeah? 25 भी है साथ में,
मल्टीप्लाई इट एंड गेट द आंसर. ये वॉल्यूम आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब. आपने किसमें फाइंड करना है? लीटर में. यूनिट गिवन है, चेंज करके आंसर बताओ. कल क्या डेट थी? थ्री फोर थाउजेंड से डिवाइड करेंगे. 34.650 लीटर. थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन लीटर. दिया हुआ बुक में देखो, कल बताया भी था क्लास में. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप. अब ये वुडन पाइप है. पाइप बताया था ना, इनर सरफेस एरिया अलग होता है, आउटर अलग होता है. और वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों का वॉल्यूम को माइनस करके ऊपर वाले रिंग का भी ऐड होता है. ठीक है, तो सेम वैसे ही आपने किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन वहां हमने एरिया किया था. अब यहां देखते हैं क्या करना है. इनर डायमीटर दे रखा है. इनर डायमीटर मीन स्मॉल डी, दैट इज 24. रेडियस कितना आ जाएगा? 12. आउटर डायमीटर मीन्स कैपिटल डी इज 28. तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा? 14. Is it clear? ये मैंने separate लिया, ये inner है, ये outer है. Inner के लिए small, outer के लिए capital. अब यहाँ पे क्या find करना है? Length given है. Length means दोनों height same है. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. वो बाद में find करते हैं. पहले सबसे पहले जब mass find करना होता है तो volume को जो वेट दे रखा है उसे मास से मल्टीप्लाई करते हैं. वॉल्यूम को मास से मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपके पास पूरे पाइप, मतलब 1 centimeter cube का वेट दे रखा है. पूरे पाइप का वेट कितना होगा ये बताना है. तो आप क्या करोगे? पहले वॉल्यूम निकालोगे. उस पाइप का कितना वॉल्यूम है, मतलब कितने मटेरियल से वो बना है. उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो ये जो पाइप है ना, ये इस तरह से है. जैसे वेल होता है ना, वेल ऐसे है, मतलब ये जगह खाली है और ये थिकनेस है. ये मटेरियल यहाँ यूज हो रहा है, इसका वेट निकालना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले इसका वॉल्यूम निकालोगे. वॉल्यूम फाइंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे. इसे नीचे रखो बॉटल को. वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर एच. पाई कॉमन, एच कॉमन, कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर. पुट द वैल्यूज. पाई की वैल्यू पुट करो. पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7. हाइट इज 35. 14 square minus 12 square.
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फोर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स इंटू टू फाइव, फिफ्टी टू इंटू वन हंड्रेड टेन क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम. अब आपने फाइंड करना है इसका मास, मास ऑफ पाइप 0.6 ग्राम इंटू 5720 सेंटीमीटर क्यूब. क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस करके 26 माइनस करके 2. एक मिनट दिखाना सर क्वेश्चन दोबारा कहाँ है. ये क्या दे रखा है? फाइंड वन सेंटीमीटर. अच्छा, वन सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 0.6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आ जाएगा. ग्राम को केजी में चेंज कर लेना अगर चाहिए हो तो, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज. ये 10 आ गया, ये कैंसिल, 6 इंटू 572 ये ग्राम है, तो केजी में क्या आएगा? 3.432 केजी. हम उसको राउंड ऑफ करके 3.4 वॉल्यूम इनटू मास पर सेंटीमीटर क्यूब, हैं? इतना ही लिखना, जैसे आ रहा है वैसे ही लिखना. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, इजी है. दो टाइप के कंटेनर दे रखे हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल के बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो. इसके बाद फेयर पे कर लेना. इवन पार्ट्स ही कर रहे हैं, थर्ड फिर रफ में कर लेना. आप ऐसा करना, कल करके ले आना, चेक कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे. इवन पार्ट्स कर लेना इसके फेयर पे. चलो इवन पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 4 में लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस फाइंड करना है. लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच. ठीक है, सिलेंडर का है ना 2 पाई आर एच, एच इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आर. पहले आर निकालना है फिर वॉल्यूम. हैविश वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बोलो जयदेव. पाई आर स्क्वायर एच. जल्दी जल्दी करो सर, 2 पाई आर एच इसको फटाफट. जीरो से जीरो कैसे? जस्ट चले
टी से नहीं कटूंगा मैं पूरा का पूरा फिर मैं इमैक्स में बहुत गलत किया रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर है। रेडियस 3 है, हाइट है पाई। 45 इनटू 3.14 बोलो आंसर। 141.3 क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दैट इज 10 मीटर डीप। इफ इट कॉस्ट ₹20 पर मीटर स्क्वायर फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक वेसल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट 2200 है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹20 है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। और ये पेंट कहाँ पर है? अंदर है ना कंटेनर के, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2200 डिवाइडेड बाय 20, 110 यूनिट क्या आएगी? मीटर। ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है रेडियस देन वॉल्यूम। रेडियस कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यू हैव टू फाइंड एंड हाइट इज कितनी गिवन है? 10 मीटर, दैट इज 110। सॉल्व करो इसे, यहां से रेडियस आ जाए। आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, 11 का रेडियस कितना आ गया? 7/4। अब फाइंड करो वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। करो फाइंड। क्या वॉल्यूम 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10 by 4
सॉल्व करो इसे, क्या आएगा आंसर? आप खुद देखो, आप एरिया 110 आ रहा है, वॉल्यूम 55 कह रहे थे, कम कैसे आ सकता है? वॉल्यूम उससे ज्यादा आएगा। करो फाइंड क्या आएगा, मतलब इसके चाहे नियर अबाउट इसके जैसा सेम ही आ जाए। बोलो क्या आएगा? 4 9 36, 96.25 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द वेसल। सिक्स्थ क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4। हाइट गिवन है वेसल की, उसका वॉल्यूम गिवन है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम गिवन है। फाइंड करना है हाउ मेनी मीटर स्क्वेयर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट, मींस इस क्लोज्ड टैंक को बनाने में कितनी शीट यूज हो रही है। अब क्लोज्ड है तो क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, मींस जितनी शीट यूज हुई है उस क्लोज्ड सिलेंडर को बनाने में, यू हैव टू फाइंड दैट मटेरियल, ठीक है, मींस यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr h + r। अब आपको रेडियस चाहिए, हाइट तो गिवन है लेकिन रेडियस नहीं गिवन, तो वॉल्यूम से पहले आप रेडियस फाइंड करोगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम फाइंड किया था। अब रिवर्स है, अब वॉल्यूम गिवन है और हाइट भी गिवन है। हाइट कितनी है? 1 मीटर, और वॉल्यूम कितना है? लीटर। ये मीटर में है, ये लीटर में है। 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो ये लीटर में दे रखा है। क्या करेंगे? 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये 1 लीटर की वैल्यू गिवन है, तो 15.4 लीटर की कितनी होगी? अगर 1 लीटर इसके इक्वल है तो 15.4 के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के डिवाइड, मल्टीप्लाई 15400 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगा लो इसका, वैल्यूज पुट कर लो। पाई इज 22/7, रेडियस यू हैव टू फाइंड, हाइट इज 1 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 15400/7/22। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4900, आर इज इक्वल टू 70 मीटर, ठीक है, रेडियस आपके पास आ गया। जसलीन क्या हुआ? रेडियस इज 70 मीटर। कर्व्ड सरफेस से, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया इज 2πr h + r, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 70, हाइट इज 1 मीटर प्लस 70, कितना हो गया? हाइट 1 मीटर है, रेडियस 70 है, ये आ गया 10, 44 इंटू, करो मल्टीप्लाई, 3, 1, 2, 4, 0 तो आएगा ही, बड़ा 0 कहाँ गया? आंसर कौन सा क्वेश्चन है?
कहाँ है? आंसर क्यों नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई चेक करो, आंसर पीछे ये नहीं। क्या कह रहे हो? दो मिनट चुप कर जाओ। एक ही बात है, मल्टीप्लाई ठीक है? यस। ऐसा थोड़ी कुछ करता है, नहीं इसने सेंटीमीटर, बात वो थोड़ी है, सेंटीमीटर मीटर जिसमें मर्जी करो।